ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में सभी पेपर लीक हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का हो, जेएन का हो, लाइब्रेरियन का हो, रीट का, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ जिसके लिए आंदोलन किया बेरोजगारों ने, उसमें मैं भी शामिल हुआ और प्रमाण दिए सरकार को, एसओजी को, मीडिया के सामने रखे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल 7 फरवरी को सरकार ने रीट लेवल सेकंड का परीक्षा रद्द कर दी। अब ये परीक्षा रद्द हो जाने के बाद में जिन अभ्यर्थियों ने पैसा दिया, जिनको ये लुटेरों ने लूटा, रीट पेपर लीक करने वालों ने, जिसमें सरकार के अधिकारी थे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े नेता हैं, और जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल है, जो कांग्रेस का एनजीओ है, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, चेयरपर्सन माननीय अशोक गहलोत हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स ने, और ऐसे कोऑर्डिनेटर जो प्राइवेट हैं, जो सरकारी नहीं हैं, मैंने उनके नाम उजागर किए थे और शिक्षा संकुल से पेपर जानबूझ के लीक किए गए। उसके कारण ये स्थिति बनी कि परीक्षा निरस्त हो गई और उस पेपर लीक करके पता नहीं कितने बच्चों को ठगा है, लूटा है, और उससे निराश होकर आज टोंक के उनियारा तहसील में रानीवास गांव के निवासी एक लोकेश ने आत्महत्या इसलिए कर ली कि उससे 40 लाख रुपए लिए थे। वो घोर निराशा में डूब के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर बैठा। इसलिए मैं राजस्थान के सभी उन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ जो लुट गए हैं, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घोर निराशा के इस समय में, इस संकट में मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप मेरे को बताएं किस किस ने आपसे पैसा लिया है, उस पैसे को दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे मैंने रीट की लड़ाई लड़ी है, वैसे जो आपकी लूट हुई है, रीट में जो चीट हुई है, उसको दुरुस्त कराऊंगा, आपके पैसे दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में मैंने राज्य सरकार से कल पत्रकार वार्ता में मांग की थी, 4 महीने का मैंने रीट के अभ्यर्थी का खर्चा दिया था, खाने का, पीने का, रहने का, पीजी का, पढ़ने का, कोचिंग का, जो 90,000 के करीबन बैठता है। सरकार से मैंने कहा प्रत्येक अभ्यर्थी को जो भी परीक्षा में बैठा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।